हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शेयर योर स्टोरी। मैं हूँ श्रेया और आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और काम की वीडियो, क्योंकि अभी मैं अपना प्रेगनेंसी सीरीज सारा शूट कर रही हूँ और इसी के साथ साथ मैंने शूट करा है कि प्रेगनेंसी के योगा कौन से मैं फॉलो करी, कौन से एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो प्रेगनेंसी का जो सेकेंड ट्राइमेस्टर के जो मोस्ट आपका अगर 3 महीने का फर्स्ट ट्राइमेस्टर रेस्ट भी बोला है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ रियली रियली गुड फॉर स्टार्ट योर एक्सरसाइज और एक्टिविटी। तो उसमें आपको कौन कौन से योगा इंक्लूड करने चाहिए फॉर योर नॉर्मल लेबर पेन, नॉर्मल डिलीवरी और इजी प्रेगनेंसी फॉर, तो उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ जो मैं खुद फॉलो करती हूँ कि मैं क्या फॉलो करती हूँ। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, बट इफ़ यू आर ओके और कंफर्टेबल सो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, बट अपने पहले डॉक्टर से पूछ के ही करें कि आपको कौन से योगा एक्सरसाइजेज उन्होंने सजेस्ट किए हैं कि आपको रेस्ट बोला है। तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर स्टार्ट एनी एक्टिविटी, योगा एंड एक्सरसाइजेज इन प्रेगनेंसी। तो आज मैं आपको बताऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे योगा का टाइम भी हो गया है तो मैंने सोचा कि आज शूट भी करते चलते हैं और इसी के साथ साथ आपको बताते भी चलते हैं। तो मस्ट वॉच फुल वीडियो, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करते जाइएगा। इसी तरह की नई वीडियोज़ के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली हो और ला भी रही हूँ, तो प्लीज़। और इसी के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा होगा, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एक्सरसाइज, जो मैंने आपको पहले की वीडियो में ही बताया है तो उससे भी ज़रूर कंटिन्यू करना है। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताती चलती हूँ। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है, डिटेल के लिए पहला वीडियो देखें। और इस तरह से हाथों को रोटेट करता है करना है क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। फिर इस तरह से आपको अपने चेस्ट एरिया पर वर्कआउट करने में बहुत सही होगा। अगर आपके सैगिंग ब्रेस्ट हो रखे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से शोल्डर को भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। मैंने डिटेल वीडियोस की पहले ट्राइमेस्टर की इजी योगा पोजेस में बना रखी, उसे ज़रूर देखें। फिर नेक रोटेशन करना है, ये सब ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग है, बहुत अच्छा है, साथ में बॉडी को वार्म अप करने का भी काम करती है। इवन आपको रेस्ट भी कहा है तो ये सारे ऐसे पोजेज हैं जिनको करके आप आराम से अपनी प्रेगनेंसी में एक्टिव रह सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको नेक रोटेट करना है। फिर ये है साइड स्ट्रेचिंग, ये भी बहुत अच्छी होती है शुरू के महीनों के लिए, तो ये बहुत ही बेस्ट है। इसके बाद हम करेंगे इस तरह से अपने पेट को, या फिर यहाँ पे आप हाथ को रख सकते हैं, या पेट को इस तरह से पकड़ के स्ट्रेचिंग करिए। साइड स्ट्रेचिंग है, बहुत अच्छा है आपके चेस्ट एरिया, आपके कमर के एरिया, मतलब साइड फैट बर्न करने का भी काम करती है। एक्सेसिव जो आपको वेट गेन है उसमें रोकने में मदद मिलती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ अब हम लेग स्ट्रेचिंग करेंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, आपके पैरों में सूजन है तो उससे बहुत रिलैक्स होगा, पैरों में दर्द है तो उससे भी बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा, तो इसे ज़रूर करें। सेकंड ट्राइमेस्टर में भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के योगा को इंक्लूड आपको बिल्कुल करना है और इससे आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी। प्रेगनेंसी में जो भी थोड़ी बहुत दर्द, पेन, तकलीफ, सूजन है, इसके लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से हम स्ट्रेचिंग करेंगे एल्बो को खींचते हुए, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। देन अब हम हाथों की थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करेंगे जो कि ज़रूरी है। तो आपको सीधे बैठना है, सबसे स्ट्रेच करना है आगे की तरफ अपने हैंड्स को, सेम आप ऐसे ऊपर की तरफ करिए। दैट्स इट। अब हम करेंगे बटरफ्लाई पोज, बहुत अच्छा है फॉर योर नॉर्मल डिलीवरी प्रेगनेंसी में, सभी लोग सजेस्ट करते हैं, तो आप इसे ज़रूर करें। इस तरह से अपने दोनों पैरों को हवा में हिलाते हुए बटरफ्लाई पोज करें, काउंटिंग पहले शुरू में थोड़ी ही रखें, देन ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ज़मीन पर दबाइए दोनों घुटनों को और डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है फॉर योर प्रेगनेंसी। अब पैरों को इस तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं। अब मैं सेकंड ट्राइमेस्टर का योगा बता रही हूँ। इस तरह से स्ट्रेच करिए, आगे की तरफ आइए, सांस लीजिए, आगे की तरफ आते हुए सांस छोड़िए, फिर सांस लीजिए पीछे की तरफ जाते हुए, फिर आगे सांस छोड़िए। जितना आप कंफर्टेबल हों उतना ही आप झुकें, ज़्यादा ना झुकें। जब प्रैक्टिस होती है तो आप धीरे धीरे और कंफर्टेबल होते जाएंगे। काउंटिंग शुरू में 5 ही रखिए
और फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करिए। फिर आप इस तरह से पैरों को बेंड करिए, एक पैर को स्ट्रेच करिए, दूसरे हाथ को इस तरह से स्ट्रेच करते हुए दूसरे पैर को टच करने की कोशिश करिए। आप जितना बेंड हो सकते हैं उतना ही बेंड होने की कोशिश करिए, कुछ सेकंड होल्ड करिए, 10 सेकंड एटलीस्ट। फिर उसके बाद एक बार और आपको दिखाते हैं इस तरह से आपको करना है। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो रही है, ये आपके साइड जो है बॉडी पार्ट्स की, यानी कमर की, आपके चेस्ट एरिया की। सेम करेंगे हम दूसरी तरफ, आप दूसरा पैर फैलाएंगे, इसे बेंड करेंगे और दूसरे हाथ से इसे टच करने की कोशिश करेंगे। होल्ड करने की कोशिश करिए फॉर 10 सेकेंड। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपसे जितना कंफर्टेबली आप झुक सकते हैं आप उतना ही झुकिए। एक बार और दिखाती हूँ, इस तरह से आपको करना है। फिर आप रिलैक्स पोजीशन में आ जाइए। एक योगा पोज से दूसरे पोज में जाने से आपको उसके पहले थोड़ा सा रिलैक्स होने देना है बॉडी को कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद जो है हम करेंगे अपने बैक के लिए, क्योंकि बैक बहुत परेशान करती है, बहुत दर्द होता है प्रेगनेंसी में, तो बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और बैक जो है वो झुकती चली जाती है आगे की तरफ बिकॉज ऑफ द लोड ऑफ आवर बेली। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको क्या करना है, पीठ को निकालना है इस तरह से ऊपर की तरफ, सांस भरनी है और फिर आप इस तरह से सांस छोड़ते हुए बाहर आना है। इसे कैट काउ पोजीशन कहते हैं, बहुत अच्छा होता है बैक पेन में। कमर अगर आपकी बहुत दर्द हो रही है, पीठ में दर्द हो रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छी ये एक्सरसाइज है। इस तरह से आपको करना है, सांस अंदर भरते हुए अपने पीठ को उठाना है इस तरह से कैमल लाइक पोज में और फिर बाहर छोड़ना है सांस को, और इस तरह से आपको करना है। इसकी भी काउंटिंग आपको 5 to 10 रखिए, धीरे धीरे ही इंक्रीज करिएगा। एक साथ कोई भी एक्सरसाइज को आपको हैवी परफॉर्म नहीं करना है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे आप कंफर्टेबली इसे परफॉर्म करते जाएंगे। ब्रीदिंग का जरूर ख्याल रखिए, कोई भी पोजीशन में आपको ब्रीथ होल्ड नहीं करनी है, सब में डीप ब्रीदिंग आपको करनी है। सांस लीजिए, इस तरह से उठाइए, फिर सांस छोड़िए। तो ये बहुत अच्छी है आपके बैक के लिए। सेम हम करेंगे पैरों को इस तरह से उठा के, मैं थोड़ा और आगे आके आपको बताती हूँ। इस तरह से पैर को करें और इस तरह से हवा में ऊपर नीचे करें। आपसे जितना हो पाए आप उतना करिए, 5 to 10 काउंटिंग ही रखिए इसकी। फिर और सेम दूसरी साइड से भी हम ऐसे करेंगे। आप जिस एक्सरसाइज या योगा में कंफर्टेबल हो और जिसे परफॉर्म करना चाहते हो आप उसे ही करें। अगर आपको थोड़ी भी डिफ़िकल्टी लगती है किसी योगा पोज को करते हो, आप उसे ईजिली स्किप कर सकते हो, तो आप इस तरह से करिए। और यह है प्लैंक पोजीशन, या आप करना चाहे तो कर सकते हैं। आप इसे भी कुछ सेकेंड के लिए होल्ड करिए और सेम दूसरे साइड से भी करिए। यह आपके बॉडी के पूरे बैलेंस रखती है और स्ट्रेंथन का काम करती है ये भी। और फिर आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन बहुत ज़रूरी होता है डाइजेशन के लिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या गैस की समस्या है तो उसमें वज्रासन बहुत काम करता है। इस तरह से आप बैठ जाइए और डीप ब्रीदिंग किया करिए। और इसी के साथ आपको मैं एक और इसमें दिखाती हूँ, सामने की तरफ से आप किस तरह से बैठिए और इस तरह से डीप ब्रीदिंग को करते रहिए। डीप ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आपके मंथ इंक्रीज होंगे आप इस तरह से बैठने की कोशिश करिए। इससे बैठने का पोजीशन बहुत बेस्ट है क्योंकि आपका पूरा पेल्विक रीजन को ओपन करने का काम करता है। जितना अच्छा आप स्ट्रेच करेंगे शुरू से ही, आपको आगे जाके इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा फॉर नॉर्मल डिलीवरी। क्योंकि ये रीजन को जितना आप लचीला बनाएंगे उतना ही ईजी और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। फिर एक साइड आप लेट जाइए, अपने पूरी बॉडी को ए लाइन ही रखिए, यानी एक लाइन में इसको थोड़ा सा बेंड करिए। इस तरह से पैरों को हवा में घुमाएं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अगेन फॉर पेल्विक रीजन। आपके थाइस को स्ट्रेंथन करने का काम करती है। ये मैं 90 डिग्री पे पूरा कर लेती हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, मैं बहुत पहले से करती आई हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया प्रेगनेंसी में भी इसे करते हुए, बट आप जब शुरू करें तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू क्रिएट 90 डिग्री एंगल।
आप धीरे धीरे करिए, जैसे 30 से 40 डिग्री से शुरू करिए। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, 30, 40, 60, धीरे धीरे इंक्रीज करते करते आपके जो कंफर्ट हो जाएगा तब आप 90 डिग्री पे कर सकते हैं। आपको डिसकंफर्ट होता है तो उस तरह पैरों के बीच में एक पिलो लगा लीजिए, कुशन लगा लीजिए, देन ऐसे परफॉर्म करिए आराम आराम से। काउंटिंग ज़्यादा नहीं रखनी है, 5 से 10 ही रखिए शुरू में, फिर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगेन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वॉक भी नहीं कर पा रहे हैं तो इससे आपके साथ साथ वॉकिंग भी होगी और आपके नीचे की पूरी मसल्स को स्ट्रेंथन करने का काम और लचीला बनाने का काम करता है। दूसरा हम सेम करेंगे अपोजिट साइड से दूसरे पैर के लिए। आप नीचे चाहे तो पिलो रख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे, और बीच में भी पिलो रख के कर सकते हैं कंफर्टेबली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम करेंगे कैमल पोज कहते हैं इसे, इस तरह से अगर आप कंफर्टेबली कर सकते हैं, ब्रीदिंग लेते रहिए कुछ सेकंड्स तक, होल्ड करिए इस तरह पोजीशन को। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप अपने 6 मंथ्स के कुछ हफ्ते बाद से शुरू करें इसे, और थर्ड ट्राइमेस्टर तक करें अगर आप कंफर्टेबली कर पा रहे हो तो। फिर मैं ऐसे नॉर्मल पोजीशन में बैठ के अब इस तरह से लेट जाऊँगी, अपने इस पैर को ऊपर की तरफ ऐसे खींचते हुए अपने फेस तक लाने की कोशिश करूँगी जितना मैं ला सकती हूँ। पूरा टच नहीं करना है, टमी एरिया को बिल्कुल भी दबाना नहीं है और उस पर बिल्कुल ले नहीं जाना है, ऊपर से करना है। देखिए जैसे मैं इस पैर से करती हूँ, इस तरह से मैंने अपने टमी एरिया को नहीं छुआ है और ना सर को आगे लाने की कोशिश कर रही हूँ, बस आगे खींचने का काम पैरों का कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ राइट लेग को लेफ्ट ईयर से और लेफ्ट लेग को राइट ईयर से जितना पास ला सके। अब इसको दोनों पैर को साथ में करते हैं, पैरों को टमी से काफ़ी ऊपर रखेंगे और उसे भी सेम ऐसे फेस के पास लाने की ट्राई करेंगे जितना हो सकता है उतना। अगेन देखिए कितना खूबसूरती से आपका पेल्विक रीजन, हिप रीजन पूरा जो है वो उसको ओपन करने का काम कर रहा है। अगर आप शुरू से ये प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब हम करेंगे इस तरह से चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज अगेन अ वेरी वेरी गुड योगा पोज फॉर योर नॉर्मल ईजी डिलीवरी। इस तरह से आपको करना है, कुछ सेकेंड्स होल्ड करना है, जितना अच्छा आपका पेल्विक रीजन खुलेगा, ओपन होगा, जितनी भी वहाँ की मसल स्ट्रेंथन होगी, लचीली होगी, नॉर्मल डिलीवरी आपकी उतनी ईजी होगी। बैक के लिए फिर से एक बहुत अच्छा योगा पोज है। इस तरह से आपको अपनी बैक को धीरे धीरे उठाना और नीचे रखना है। ऊपर उठाते हुए सांस लीजिए, नीचे रखते हुए सांस छोड़नी है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, कहीं भी पोजीशन को होल्ड नहीं करना है सांस रोक के। अगेन आप इसके नीचे पिलो रख सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा हो तो, इस तरह से कर सकते हैं। आप इस एक्सरसाइज को अपने बेड पर भी परफॉर्म कर सकते हैं वेरी इजीली, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगेन आपकी जो रीढ़ की हड्डी है जो आगे की तरफ चली जाती है क्योंकि आपके बेली का वेट बहुत बढ़ जाता है और बहुत दर्द होता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा योगा है। देन आप वॉल का सहारा ले लीजिए या बेड के हेडबोर्ड का सहारा ले लीजिए क्योंकि अब इस पे ही एक्सरसाइज करेंगे हम, तो इस तरह से आप करिए। अब इसे हमें घड़ी के जैसे क्लॉकवाइज होता है इस तरह से करना, घड़ी के कांटों की तरह। अगेन ये वही है पेल्विक रीजन के लिए ये हम सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि उसी को सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रेंथन करने का काम करना है, बैलेंस करने का काम करना है। सेम हम दूसरी साइड करेंगे, तो कुछ सेकेंड होल्ड करेंगे और इसी के साथ ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को हम करते जाएंगे। इससे आपका दो होगा कि आप योगा पोज भी कर रहे हो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर रहे हो। सेम हम दूसरी तरफ भी करेंगे। अब इसे 5 टाइम परफॉर्म करिए दोनों दोनों पैरों की तरफ से, इसे 5 टाइम्स करिए। अगेन वेरी वेरी गुड, ये आप अकेले परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी तरह से वॉल, कबर्ड या बेड के हेडबोर्ड का सहारा ले लीजिए, तो इस तरह से आप परफॉर्म करिए। अब वापस इस तरह से पोजीशन में लाइए दोनों लेग्स को। अब दोनों लेग्स को स्ट्रेच करिए आप जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। शुरू शुरू में तो थोड़ा होगा बट धीरे धीरे आप के प्रैक्टिस के हिसाब से ये स्ट्रेच बढ़ने लगेगा, तो इस तरह से आप होल्ड करिए।
ये आप किसी के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं बैठ के, और वो आपके लेग को स्ट्रेच करने में मदद करेगा अपोजिट साइड में। अगर आपके पास कोई नहीं है तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, आप अकेले परफॉर्म कर सकते हो। इस तरह से रखिए, रिलैक्स करिए 10 सेकेंड, फिर स्ट्रेच करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहिए, ब्रीदिंग करते रहिए, और इसी के साथ होल्ड करिए 10 to 20 seconds, जैसे भी आपके स्टैमिना हो, क्योंकि धीरे धीरे स्टैमिना आपकी बढ़ती जाएगी। आप इतना कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो, धीरे धीरे ही इसे ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, एक साथ कभी भी नहीं करना है। मुझे काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, इस वजह से मैं इतना कर ले रही हूँ धीरे धीरे। उसे मैंने भी धीरे धीरे से ही शुरू किया था शुरू शुरू में। हम रिलैक्स करिए, फिर एक बार इस तरह से करते हुए होल्ड करेंगे। ये सारी एक्सरसाइज कमर के लिए, बैक के लिए बहुत अच्छी है, आपके पेल्विक रीजन के लिए बहुत अच्छी है। अब इस तरह से रेस्ट करिए और फिर हम उठेंगे धीरे से, हाथ लगा कर ही उठना है आपको। अब हम फिर एक सिटिंग पोजीशन ट्राई करेंगे। इस तरह से अपने दोनों पैरों पे आपको बैठना है, पीछे किसी वॉल का सहारा ले लीजिए। जब भी आप प्रेगनेंसी के एक्सरसाइज स्पेशली ट्राई कर रहे हो तो ज़रूर किसी वॉल कवर्ड का सहारा ज़रूर ले। इस तरह से आप बैठिए, अगेन आपके हिप रीजन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरह से आप जितना देर बैठ सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम बैठ सकते हैं। अगर आपको योगा का टाइम भी नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी टाइम दिन भर में कम से कम 2 बार 4 बार 5 6 या 10 बार इस तरह से कुछ कुछ देर के लिए बैठिए। इससे और बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है फॉर योर पेल्विक रीजन। आप इसे 20 सेकेंड 30 सेकेंड बढ़ा के 1 मिनट तक भी बैठ सकते हैं। अब हम करने वाले ट्री पोज, बट हम लेंगे वॉल का सहारा। आपको वॉल का सहारा बिल्कुल लेना है। अब इस तरह से आप अपने एक पैर को उठा के इस तरह से, ये बैलेंस के लिए है और फोकस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। अब जितने अच्छा फोकस रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके ग्रोथ के लिए, साथ में बेबी की ग्रोथ के लिए भी। तो साथ में ये बैलेंस और फोकस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दोनों साइड से करिए कुछ तो सेकेंड्स के लिए, मिनिमम 10 सेकेंड्स के लिए। फिर करेंगे वॉरियर पोज। इस तरह से पैरों को स्ट्रेच करिए, साइड में फेस करिए और थोड़ा सा बेंड होइए। 10 to 20, 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स तक इसे आप होल्ड करिए इस तरह से पोजीशन को। फिर दूसरे साइड से भी हम यही करेंगे। अगेन थाई रीजन के लिए बहुत अच्छा है, आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। फिर करेंगे त्रिकोणासन, बहुत अच्छा है ये। आप 6 मंथ से ही स्टार्ट कीजिए, अगर आपको डिस्कम्फर्ट लगता है तो उसे स्किप कर सकते हैं। इस तरह से होल्ड करिए कुछ सेकंड्स के लिए। अगेन अ वेरी गुड आसन, इस तरह से भी आप कर सकते हैं फॉर योर साइड बैक। इस तरह से जितना आप होल्ड कर सकते हैं, जितना आप बेंड हो सकते हैं उतना ही करिए अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से। अब इस तरह से टिल्ट्स करेंगे हिप रीजन को, गोल गोल एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज घुमाना है फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगेन ये बहुत अच्छा होता है बेबी मूवमेंट के लिए, अगर आपके बेबी की पोजीशन को नीचे लाने में, यानी हेड को नीचे लाने में भी। अब आपको आगे सजेस्ट करेंगे कि इसको ज़रूर ट्राई करिए, तो आप इसे सेकंड ट्राइमेस्टर से ही ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई हार्म नहीं होगा और अगेन बहुत अच्छा होगा आपके बेबी की हेड पोजीशन को बनाने के लिए। फिर स्क्वैट्स भी कर सकते हैं, बहुत लोग मना करते हैं कि आपको स्क्वैट्स को 9th month में करना चाहिए, मगर अगर आपकी प्रैक्टिस है, क्योंकि मेरी बहुत पहले की प्रैक्टिस है, इस वजह से मैंने इसे सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर दिया था, तो मैं करती हूँ। या फिर आप इस तरह से वॉल को लेकर भी, वॉल की सहायता से, वॉल की हेल्प से वॉल स्क्वैट्स भी कर सकते हैं। और स्क्वैट्स करते वक्त ज़रूर ध्यान रखें कि पीछे आपको किसी चीज़ का सपोर्ट हो, या फिर आराम से इस तरह से आप सुमो स्क्वैट्स भी कर सकते हैं। मिनिमम आप 5 ही रखिए शुरू में, ज़्यादा मत करिए। देन आप वॉल पुशअप्स करिए, आपको सैगिंग ब्रेस्ट की बहुत समस्या हो जाती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि जब मिल्क ग्लैंड्स बनने लगते हैं, मिल्क प्रोडक्शन का काम शुरू होता है, तो ब्रेस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए वॉल पुशअप्स बहुत अच्छे हैं आपके ब्रेस्ट को टोन अप करने के लिए, तो आप वो कर सकते हैं 10 to 20 times। ये बहुत अच्छा है, आप इस तरह से वॉल पुशअप्स को जरूर ट्राई करिए। उसके बाद हम वॉल कबर्ड या हेडबोर्ड या कोई चेयर की हेल्प ले लीजिए आप। मैं वॉल ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, दिखे,
इस तरह से एक साइड से बेंड होना है आपको। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये भी, आप किसी और के हेल्प से भी कर सकते हैं, उसका हाथ पकड़ के वो भी आपको इस तरह से करवाने में हेल्प कर सकता है। बट अगर आपके पास कोई नहीं, अकेले है, इस तरह से भी आप कभी भी टाइम निकाल कर कर सकते हो। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये सारी एक्सरसाइजेज सेकेंड ट्राइमेस्टर की आपको थर्ड ट्राइमेस्टर तक कंटिन्यू करनी है, और बहुत अच्छी डिलीवरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे 10-10 टाइम्स ईच कर सकते हो। शुरू में 5 ही रखिएगा, और इसी के साथ साथ थर्ड इस तरह से आप स्ट्रेच करिए और रेस्ट आसन में रेस्ट करिए 5 मिनट के लिए। ओह गाइस, ओ आई रियली होप कि आपको ये मेहनत पसंद आई होगी। इट्स नॉट इजी कि आप प्रेगनेंसी में अपना काम भी कर रहे हो, योगा भी कर रहे हो, उसी के साथ साथ वीडियो के लिए, इसमें ब्लॉग हो जाता है, बट इस तरह की एक्सरसाइज में वीडियो को शूट करना ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो मैंने किया कोशिश। अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह प्यार दीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अपने किसी प्रेग्नेंट फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक इट, और फिर मिलेंगे इसी तरह की नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय, लव यू, सी यू।